आज बिल्कुल इंटरबैंक मार्केट में आज कारोबार के आगाज से ही डॉलर की कीमत में जो इजाफे का सिलसिला देखा गया था वो कारोबार के अख्तितम तक जारी रहा और अब जब डॉलर की क्लोजिंग आ चुकी है तो आज पूरे दिन के दौरान ट्रेडिंग के दौरान डॉलर की कीमत में 18.97 रुपये की नुमाया जो वो इजाफा सामने आया है, जिसके बाद इंटरबैंक मार्केट में डॉलर आज पहली बार रिकॉर्ड बुलंदी पर यानी कि 285.08 रुपये की बुलंद सतह पर बंद हुआ है। अब अगर दो रोज की बात कर ली जाए तो आज मार्च की 2 तारीख है तो दो रोज में इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 23.58 रुपये का बड़ा इजाफा सामने आया है। एक्सपर्ट की जानिब से बताया जा रहा है कि जो आईएमएफ से जो पाकिस्तान के माहदे में ताखिर हो रही है या इसके साथ ही देख रहे हैं कि जो अदायगियां चल रही हैं तो उस हवाले से मार्केट में डॉलर के ऊपर प्रेशर देखा जा रहा है। डॉलर की ना सिर्फ तलब बढ़ी है उसकी कीमत में भी इजाफा सामने आया है। अच्छा सफदर अब्बास, ये भी बताइएगा कि लम्हा ब लम्हा सूरत हाल तब्दील हो रही है, कभी उतार चढ़ाव आ रहा है, तो इस पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि कहां पर जाके डॉलर रुक सकता है? जी अभी ये कहना कुछ कब्ज़ वक्त होगा कि डॉलर कहां पर जाके मुस्तहकम होगा, लेकिन जो मार्केट की सूरत हाल है वो फिलहाल ये देखी जा रही है कि मार्केट में कारोबार के आगाज से डॉलर की कीमत में इजाफा शुरू हुआ था वो उसकी क्लोजिंग तक यानी कि सेशन के इख्तिताम तक जारी रहा और डॉलर की कीमत में आज ओवरऑल इंटरबैंक मार्केट में 18.97 रुपये के नुमाया इजाफा सामने आया। अच्छा सफदर अब्बास, ये भी बताइएगा कि अगर ये आईएमएफ का मुआहदा जो है वो मजीद तवील हो जाता है कि तो क्या डॉलर की ये जो रफ्तार है ये ऐसी तेजी से जारी रहेगी? जी ऐसे खदशात तो पाए जा रहे हैं कि अगर मजीद डिले हो जाता है तो जाहिर है हमारी जो फाइनेंशियल नीड्स हैं वो कैसे पूरी होंगी, तो या तो हमारी रेमिटेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो हमारे पास डॉलर आ जाए। बस रोते देखकर हम यही देख रहे हैं कि जो डॉलर के ऊपर प्रेशर है, जो रुपए की गिरावट है वो मजीद देखी जा रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सफदर अब्बास अपडेट करने के लिए।